क्या हो जब आप जिला अस्पताल में इलाज कराने जाएं और वहां डॉक्टर के बजाय एक बाबा झाड़ फूंक करते हुए लोगों का इलाज कर रहा हो। अटपटा ही लगेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन के जिला अस्पताल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाबा अस्पताल के वेटिंग रूम में कुर्सी पर बैठे हुए एक मरीज के साथ झाड़ फूंक कर रहा है, वहीं कुछ अन्य मरीज डॉक्टर का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में कथित बाबा डॉक्टर के चैम्बर के सामने मरीजों के लिए बैठक व्यवस्था के लिए बनाई गई बेंच पर बैठकर उपचार करता नजर आ रहा है। यह सब सिविल सर्जन के चैम्बर से लगी दीवार के पास हो रहा था। इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के अनुसार बाबा ने खुद को रामेश्वरम का निवासी बताकर बुजुर्ग मरीज के हाथ की नस का उपचार करने का दावा किया। उसने मरीज को कहा कि अस्पताल की दवाई तकलीफ देती है, इसलिए वो अपने देसी तरीके से मरीज का उपचार कर रहे हैं। आप झाड़ फूंक वाले बाबा का यह वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबा जी, क्या इलाज किया इनका? इलाज किया इनका? नहीं, क्या क्या नस फंसी। कितने रुपए लिए आपकी? 100 रुपए लिए। हो जाएगा इनका इलाज? अच्छा, हो जाएंगे। दादा कितने दिए पैसे? नहीं, पैसे कितने दिए? 100 रुपए दिए। हॉस्पिटल में क्यों आए फिर? गोली लेने आए थे। हॉस्पिटल में क्यों आए? बाबा जी से इलाज करवाए ना। कहाँ रहते बाबा? रामेश्वर में। रामेश्वर में कब से कर रहे हैं इलाज? ये हमारी थी कि हम बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, गलत है? ये बहुत अच्छा है ना। कहाँ रहते बाबा आप? नहीं, बढ़िया बढ़िया। भगवान पट्टी नहीं करेंगे, खुला जीवन नहात जैसे नरम चलेगा तो खुश तो रहेंगे। ये जैसे अपन देखो पड़ेगा तो पट्टा बांधोगे तो नस फंसेगा, तकलीफ होगा। इनको 3 बार में खाए पीने तो हॉस्पिटल का कोई मतलब है कि नहीं? अस्पताल का कोई मतलब नहीं फिर? गोली वो देते हैं, सिर्फ गोली देते हैं, तकलीफ देती है। गोली तकलीफ देती है, इनको बांध देगी। अच्छा, पट्टा बांधते ना तो गोली देते, वो काम की थोड़ी रहेगी, दिक्कत देती होगी। क्योंकि आप पेशाब करेंगे तो खून में तकलीफ पड़ेगी, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। क्योंकि इनका जीवन देख रहे हो, पशु कैसे बांधने से और ज्यादा तकलीफ में मर जाएंगे। आपको बता दें कि झाड़ फूंक वाले बाबा ने उपचार के लिए 100 रुपए बतौर फीस के रूप में भी लिए हैं।